अगर आपने भी दिल्ली एनसीआर में फ्लैट लिया है तो आपकी मुसीबतें बढ़ने जा रही है। दरअसल आयकर विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 2.5 लाख फ्लैट खरीदारों को नोटिस जारी कर दिया है। विभागीय अधिकारियों ने फ्लैट खरीदारों से आय के स्रोत की जानकारी मांगी है। बता दें कि विभाग के इस काम में आनाकानी करने पर कार्यवाही की जाएगी। आइए नजर डालें इसकी पूरी प्रक्रिया पर। 30 लाख से अधिक कीमत वाले 2.5 लाख फ्लैट खरीदारों को मिलेगा नोटिस। एक और जहां इस फैसले के बाद फ्लैट खरीदारों में हड़कंप मचा है, तो वहीं अधिकारी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। नोटिस मिलने वाले फ्लैट खरीदारों को विभाग से मांगी गई सारी जानकारी देनी होगी। जानकारी सही साबित होने के बाद ही फ्लैट खरीदार की फाइल बंद की जाएगी। आयकर विभाग ने क्यों भेजा नोटिस? एनसीआर की सबसे महंगी प्रॉपर्टी गुरुग्राम के बाद नोएडा व गाजियाबाद में है। आयकर विभाग के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि एनसीआर में काला धन प्रॉपर्टी में खपाया गया है, इसके बाद ही इस तरह का फैसला लिया गया। वेस्ट यूपी पर है खास नजर। साल 2011 से 2017 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट सहित गाजियाबाद, राजनगर एक्सटेंशन, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़ में 30 लाख रुपए से अधिक रुपए के फ्लैट खरीदे गए। उन सभी खरीदारों को विभाग ने नोटिस जारी किया है। आयकर विभाग ने इसे बताया सामान्य। इस मामले पर आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त का कहना है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। 30 लाख रुपए से ऊपर के प्रत्येक खरीद पर विभाग जानकारी हासिल करता ही है। विभाग में आकर जानकारी देना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बता दें कि खरीदारों को आय के स्रोत की जानकारी एक माह के अंदर ही देनी होगी। आनाकानी करने पर विभाग की ओर से कार्यवाही की जाएगी। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।